स्वागत है आप सभी का देव एमटीआर में। आप देख रहे हैं 2024 की न्यू हीरो की एचएफ डीलक्स का ऑल ब्लैक एडिशन नॉन आईथ्रीएस वाला मॉडल। इस बाइक में कंपनी ने क्या क्या बदलाव किए हैं, इसकी प्राइस बढ़ने के बाद नई ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। पहले बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी स्टिकर और ग्राफिक्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसका पेट्रोल टैंक देखेंगे तो यहाँ पर एकदम व्हाइट कलर में मिलेगा, और साइड बॉडी पैनल के ऊपर में एचएफ डीलक्स जो है वो आपको 3D पैटर्न में मिलेगा, वो भी क्रोम फिनिशिंग के साथ। बाकी कोई भी ग्राफिक्स वगैरह इसमें एड ऑन नहीं किया गया, ठीक है। जिन लोगों को ब्लैक कलर पसंद है, ये उन लोगों के लिए बाइक को स्पेशली बनाया गया है। यहाँ पर E20 की बैजिंग आपको मिल जाती है, कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पर दिया गया है। 9.6 लीटर का मेटल बॉडी का पेट्रोल टैंक आपको मिल जाएगा। हैंडलबार आपको स्प्लेंडर प्लस की तरह देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ी सी अपराइट है, काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। मीटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मीटर है वो आपको वही पुराना वाला मिलेगा, जो कि फुल एनालॉग में दिया गया है। स्पीडोमीटर एनालॉग में है। यहाँ पर साइड स्टैंड की वार्निंग लाइट सो रही है, जैसा कि यहाँ पर अभी इसका जो साइड स्टैंड है वो गिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फ्यूल गेज है, यहाँ पर हीरो की बैजिंग है, यहाँ पर गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन और हेडलाइट और टर्न सिग्नल इंडिकेटर की आपको अगल बगल में लाइट आपको मिल जाती है। बाकी चाबी की बात करूँ तो चाबी आपको बेसिक से मिल जाती है, जो कि हीरो की बैजिंग के साथ दी गई है। 95 किलोमीटर तक की यहाँ पर आपको मैक्सिमम टॉप स्पीड ये बाइक आपको निकाल कर दे देती है। 60 से 65 तक का ये बाइक आपको 1 लीटर पेट्रोल में माइलेज भी आपको निकाल कर दे देती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको पासिंग का बटन नहीं मिलेगा, सिर्फ अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉर्न। हॉर्न इसमें सिंगल है, बाकी जो रबर की जो ग्रिप वगैरह है हैंड की, वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है। जैसा कि ये नॉन आईथ्रेस वाला मॉडल है तो यहाँ पर आईथ्रेस टेक्नोलॉजी वाला बटन आपको नहीं मिलेगा। ये बाइक सेल्फ स्टार्ट में आती है, जैसा कि ये सेकेंड मतलब कि बेस से एक ऊपर वाला मॉडल आप देख रहे हैं। सबसे पहले साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कोई भी इंजन पिल वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब भाई बात कर लेते हैं इसकी सीट कंफर्ट के बारे में, तो सीट भी आपको एकदम ब्लैक कलर की मिल जाती है, लेकिन सीट को दबाने से पता चल रहा है कि सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो आपको थोड़ी सी टाइट देखने को मिल जाएगी। स्प्लेंडर की तरह इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी ये है कि यहाँ पर जो सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो काफ़ी अच्छी थिकनेस और काफ़ी अच्छी मोटाई के साथ दी गई है। अगर आपकी हाइट कम भी है तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा के मतलब कि सीट को कटवा कर इसकी सीट हाइट को कम कर सकते हैं। इसमें आपको 805 mm की सीट हाइट मिल जाती है। पीछे में जो ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल आप देख रहे हैं, ये भी आपको पुराने वाले मॉडल में देखने को नहीं मिलता था, ठीक है। और जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर है ये आपको नॉन फ्लेक्सिबल मिलते हैं, जो कि हैलोजन में दिए गए हैं, और ये बिल्कुल ही 2024 वाला नया मॉडल है। 6 मार्च 2024 को ये बाइक सीधा जो है वो मैन्युफैक्चर होकर आई है। सबसे पहले इसके इंजन को ऑन करते हैं तो पीछे की जो टेल लाइट है वो आपको वही हैलोजन वाली मिलती है। ऊपर में हीरो की बैजिंग आपको मिल जाएगी, नीचे में रिफ्लेक्टर दिया गया, यहाँ पर लगेगी आपकी नंबर प्लेट, ठीक है। अब भाई आगे में आ जाते हैं तो इसके फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक हीरो का 3D में लोगो मिल जाता है, जो भी क्रोम के साथ, और 35 वाट के हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पर आपको इसकी मेन हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। साइड में आपको नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर हैं, अगर ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होते तो काफ़ी अच्छा रहता। अब साइड में कोई भी ग्राफिक्स वगैरह इसमें ऐड नहीं किया गया है। इंजन को करते हैं भाई यहाँ पर बंद। इसके फ्रंट में वही स्प्लेंडर प्लस वाले टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर वाले यहाँ पर आपको सस्पेंशन का सेटअप मिल जाता है। दोनों साइड में रिफ्लेक्टर हैं। आगे वाला जो मडगार्ड है, इसकी जो डिज़ाइन है वो स्प्लेंडर प्लस से टोटल अलग देखने को मिलती है। डिस्क वगैरह इसमें आपको नहीं मिलती है। 130 mm की ड्रम ब्रेक का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर 2 वायर जा रहे हैं, मतलब कि इसकी आगे वाली और जो पीछे वाली ब्रेक है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अगर आप इसकी पीछे वाली ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो कुछ परसेंट इसकी जो आगे वाली ब्रेक है वो भी एक साथ काम करती है। इसके पुराने वाले मॉडल में आपको 2 75 18 का ट्यूब वाला टायर आपको मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर कंपनी ने इसका जो टायर है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर 80 100 18 प्रोफाइल का स्प्लेंडर प्लस वाला यहाँ पर आपको सेम प्रोफाइल का टायर मिल जाता है, जो कि 18 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील के साथ दिया गया, ठीक है। रियर में आपको मिलते हैं भाई 3-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर वाले सस्पेंशन, जबकि स्प्लेंडर प्लस में आपको मिलते हैं 5-बे एडजस्टेबल सस्पेंशन, ठीक है। आप इनको 3 टाइम्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मैट ब्लैक कलर में दिया गया, और इसके ऊपर में जो प्लेट आप देख रहे हैं ये आपको एकदम ग्लॉसी ब्लैक कलर की मिल जाएगी। जो फुटपैक्स आप देख रहे हैं ये भी आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं, और पिछला वाला जो टायर है ये भी आपको 80 100 18 प्रोफाइल का मिल जाता है, जो कि पहले वाले मॉडल से थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है।
और भाई एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर जो टायर है वो आपको ट्यूबलेस वाले मिलते हैं, लेकिन एच एफ डिलक्स का जो बेस वाला मॉडल आता है, जो एच एफ 100 आती है, उसमें सिर्फ आपको ट्यूब वाले टायर ही देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल जाती है, किक और सेल्फ दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसमें आपको i3s टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, या फिर आप इसमें ऊपर वाला मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामेड FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है, पावर स्टार्ट जैसा कि ये मतलब कि सेल्फ स्टार्ट के साथ आती है। इंजन जो है वो हीरो की जो स्प्लेंडर प्लस आती है उसी सेम प्रोफाइल का दिया गया, लेकिन डिजाइन यहाँ पर आपको टोटल अलग देखने को मिलती है। वही आपको स्प्लेंडर प्लस वाला ब्रेक पैड का लीवर मिल जाता है, जो फुटपैक्स हैं ये भी आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है, और जो क्रैश गार्ड है ये आपको सिंगल पीस मिलता है, जो कि मैट ब्लैक कलर में सिंगल हॉर्न आपको दिया गया है, और लेटा हुआ इंजन मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, और ये भाई सालों साल चलता है। और हीरो की ये दोनों इकलौती ऐसी बाइक हैं जिनकी रीसेल वैल्यू और जो मार्केट वैल्यू है और माइलेज भी काफ़ी अच्छा देती हैं। अगर आप इसको 2-4 साल खरीद के चलाकर अगर आप इसको बेच भी देते हैं तो हाथों हाथ बिक जाती है, और काफ़ी अच्छी ये बाइक आपको रीसेल वैल्यू प्रोवाइड कर जाती है। इसमें दिया है 97.2 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल BS6 FI OD2 कंप्लायंट वाला नया इंजन जो आपको देता है 8.02 PS की मैक्स पावर 8000 RPM तक, और 8.05 NM का टॉर्क आपको जनरेट करके देता है, वो भी 6000 RPM पर। यही जो सेम पावर है, जो सेम टॉर्क है, वो आपको हीरो की इस स्प्लेंडर प्लस के इंजन में भी आपको सेम का सेम मिल जाता है। अब देखो बाइक की जो टोटल ओवरऑल लंबाई है वो है 1965 mm की, और इसकी जो चौड़ाई है 720 mm की, और बाइक की जो टोटल हाइट है वो है 1045 mm की, और जो व्हील बेस है वो आपको मिल जाता है 1235 mm का। 110 किलोग्राम इस बाइक का टोटल वजन है, वो भी किक स्टार्ट में, और सेल्फ स्टार्ट में इसका जो वजन है वो है भाई 112 किलोग्राम, जो कि काफ़ी लाइट वेट है, और माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा खासा निकाल कर दे देती है। अब भाई गियर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको स्प्लेंडर प्लस की तरह ही यहाँ पर आपको चार गियर मिल जाते हैं, चारों गियर एडी से डाले जाते हैं और पंजे से निकाले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया भाई इसका साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये आपको फाइबर का मिलता है, ये मेटल है सॉलिड, यहाँ पर सेंसर दिया गया है। और इस बाइक में कम से कम आपको 1 से 1.5 लीटर आपको पेट्रोल रिजर्व करके रखना पड़ेगा, और कम से कम 1.5 लीटर में ये जो बाइक है वो सेल्फ लेती है, ठीक है। यहाँ भी आपको फोल्डेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं, जाली वाला साड़ी गार्ड मिल जाता है, और इसका जो चेनसेट कवर है ये आपको फाइबर बॉडी का मिलता है, मेटल बॉडी का नहीं मिलता है। तो हीरो की एच एफ डीलक्स ऑल ब्लैक एडिशन के इस बाइक की जो एक्सोरूम कीमत है नॉन i3s में वो है 68,718 रुपये, और इसकी ऑन रोड कीमत वो है 86,070 रुपये। अगर आप अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं कि एच एफ डीलक्स की आपके शहर में ऑन रोड कीमत क्या है, तो जल्दी से कमेंट करें अपनी सिटी का नाम, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। अगर आप कोलकाता हावड़ा हुगली आसपास से हैं और हीरो की कोई भी पेट्रोल स्कूटर या फिर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं, या फिर आप पेट्रोल वाली बाइक लेना चाहते हैं, या फिर आप हार्ले करिज्मा XMR कोई भी हायर CC की बाइक लेना चाहते हैं या स्कूटर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप SMSG हीरो शोरूम VIP रोड कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हीरो की सारी बाइक और स्कूटर आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ देखने को मिल जाएंगे।